हेलो गाइस, मैं हूँ हरिओम अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं ऑल न्यू i20 2020 मॉडल का एक रियल लाइफ माइलेज टेस्ट। ये है 1.2 लीटर का इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। सब कहते रहे हैं इस साल गाड़ी का वज़न 100 किलो कम हुआ है, तो इसकी माइलेज का अभी कुछ पता नहीं है। हम भी आपके सामने ये पहली बार ही टेस्ट करेंगे, अभी तक हमने भी नहीं करा है। तो अभी हम पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं और इसमें फुल तेल डलाएंगे ऊपर तक, फिर एक राउंड मार के आएंगे और देखेंगे कि दोबारा से फुल कराएंगे तेल और देखेंगे कितने तेल में ये कितनी चली है। तो चलिए पेट्रोल पंप तक चलते हैं। तो भाई हम नॉर्मल नॉर्मल हाँ, हम अभी पेट्रोल पंप पे हैं और अभी टंकी को इसकी फुल करा रहे हैं। फुल कर कैश ठीक बना हुई यूट्यूब पे डालो। हो गया हाँ 350 कर दो, चलो ज़्यादा हो गया 400 ही कर दो। तो जैसा कि आपने देखा अभी इसमें 5 लीटर तेल आ चुका है। अभी गाड़ी की टंकी फुल ही थी, हमने दोबारा से वीडियो बनाने के लिए फुल कराया है इसे। तो अब चलते हैं इस पेट्रोल पंप से और अभी इसकी माइलेज को रीसेट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं 51 किलोमीटर चली हुई है, 91 91, और ये हमने रीसेट कर दिया है। तो चलिए अब एक राउंड पे चलते हैं 10-15 किलोमीटर के और फिर वापस आके दोबारा से इसको फुल कराएंगे ताकि हम इसकी रियल माइलेज देख सकें। हम ज़्यादातर हाईवे पे ही जाएंगे और एक सिटी की राइड लेंगे। तो चलिए अब ये हम आपसे मुलाकात करते हैं एक इसकी राइड लेने के बाद। हाँ तो गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया था, हम अभी 14 किलोमीटर तक चल चुके हैं इसमें और माइलेज तो हमें अभी 22 की दिखा रहा है इनकी इसका MID कि अभी 22 की माइलेज दे रही है गाड़ी। वो तो पेट्रोल पंप पे जाके ही पता चलेगा कितनी माइलेज दे रही है या कितनी नहीं। यार मुझे इसकी एक चीज़ बेकार लगी, गाड़ी चल रही है तो मतलब इसमें वो नहीं दिखाएगा कि कौन से गियर में है गाड़ी, बस गियर शिफ्ट इंडिकेटर दिखाएगा। देखिए जैसे 5 पे दिखा रहा है कि 5 पे शिफ्ट करना है हमें, ये नहीं दिखा रहा कि हम चौथे पे हैं। बैठ के लंच चुप रहना। यहाँ पे आप देखिए और हम अभी बिल्कुल स्मूथ सड़क पे ही चल रहे हैं। हमने 91 किलोमीटर पे शुरू करा था, ये 107 किलोमीटर इसमें भी हो चुके हैं। अभी नई ही है गाड़ी, बिल्कुल भी नहीं चली हुई, इतनी भी मैंने ही चलाई है पूरी। हमें 13 किलोमीटर पे मिली थी डिलीवरी। तो अब चलिए हम वापस घर की तरफ चल रहे हैं, फिर वहाँ पेट्रोल पंप पे जाएंगे और वहाँ देखेंगे कि कितने का तेल आ गया। अभी इसमें 5 लीटर तेल आया था जो कि मैंने याद नहीं मुझे कितने किलोमीटर चलाया था। अब हम घर पे चलते हैं फिर वहाँ देखते हैं कि कितना पेट्रोल आएगा इसमें और फिर आपको वहाँ पे आपसे बात करते हैं। चलिए हेलो भाई, हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पे और हम फुल कराएंगे इसकी टंकी। 30 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली है और अभी यहीं से फुल कराई थी। अभी आप देख सकते हैं इसमें कितना लीटर आएगा, उससे हम माइलेज निकालेंगे। डालो सौ का कर दो, चलो 110 कर दो। तो इसमें 1 ही लीटर आ रहा था लेकिन हमने 110 का अब डलवा दिया है। तो अभी गाड़ी में चलते हैं और आपसे बात करते हैं। गाड़ी में आ चुके हैं गाड़ी में और आपने जैसे कि देखा बस इसमें 1 लीटर तेल आ रहा था और अभी हम दिखा सकते हैं आपको कितने किलोमीटर हमारी गाड़ी चली है। ये आप देखिए, ये हमारी 21 की एवरेज दिखा रही है और गाड़ी हमने चलाई है अभी तक 28 किलोमीटर हमने चलाई है जब से हमने ज़ीरो करी थी अभी यहीं से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माइलेज दे रही है अभी गाड़ी। हुंडई ने 100 किलो वज़न कम तो करा है गाड़ी का लेकिन माइलेज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी दी है इसने। आप देख सकते हैं इसका MID 21 की शो कर रहा है और हमें इसके आसपास ही कुछ मिली है। 1 लीटर तेल आया है मात्र गाड़ी में और 30 किलोमीटर चल गई है। तो मैं तो बहुत ही इम्प्रेस हुआ हूँ हुंडई के इस बार इस डिसीजन से। अगर वज़न कम करने से थोड़ा सा अगर माइलेज में फ़र्क पड़ रहा है और बिल्ड क्वालिटी अगर वैसी ही रहेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी बन जाएगी आपके लिए लेने के लिए।
बस इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रखा है Hyundai ने इस बार, तो इसलिए लोग एक बार सोचेंगे तो सही लेने से पहले, लेकिन बहुत ही अच्छी इस बार इसकी माइलेज निकली है। मैंने सोचा नहीं था कि ये ऐसा रिजल्ट देगी मुझे। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि पिछली i20 तो 9 या 12 की एवरेज देती है, लेकिन इस बार तो गजब ही हो गया भाई साहब। चलिए तो फिर हम घर पे चलते हैं और आपसे वहाँ से विदा लेते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर इससे आप और रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं। थैंक यू।